नमस्कार, यूपी एनसी रोहित में आपका स्वागत है। मैं सोनम खान। आइए नजर डालेंगे आज की ताजा खबरों पर। शिवपुरी से अजय शर्मा की रिपोर्ट। भारतीय किसान संघ 1 दिसंबर को गांव-गांव जाकर करेगा सदस्यता अभियान। देखते रहिए UBN 08। ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए UBN 08 के साथ। भारतीय किसान संघ बैराड़ तहसील की बैठक गुरुवार को भदेरा माता मंदिर पर दोपहर 2 बजे आयोजित की गई, जिसमें सर्वप्रथम भगवान बलराम भारत माता दत्तोपंत ठेंगड़ी जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण व पुष्प अर्पित कर बैठक का शुभारंभ किया गया। बैठक में मुख्य रूप से भारतीय किसान संघ के जिला अध्यक्ष कल्याण सिंह यादव उपस्थित रहे। आयोजित बैठक में जिला अध्यक्ष यादव ने कार्यकर्ताओं व किसानों से चर्चा करते हुए बताया कि 1 दिसंबर से सदस्यता अभियान प्रारंभ किया जाना है, जिसको लेकर सभी कार्यकर्ता पूर्ण रूप से जुट जाएं और संगठन को किसानों के बीच में पूर्ण रूप से विस्तार देने और सदस्यता अभियान के माध्यम से प्रत्येक ग्राम के किसानों तक भारतीय किसान संघ पहुँचे, और जो किसान भाई संगठन से जुड़ने के इच्छुक हों उनको माध्यम से संगठन को विस्तार करने में भी जुट जाएं। मुख्य रूप से 1 दिसंबर को प्रारंभ होने वाले सदस्यता अभियान को लेकर किसान संघ की बैठक में चर्चा की गई। बैठक में पुरुषोत्तम वर्मा, राकेश ठाकर तहसील अध्यक्ष शिवपुरी, बैराड़ तहसील अध्यक्ष ब्रजेश ठाकर, तहसील मंत्री योगेश शर्मा, रमेश यादव, केशव यादव, फौजी मोहर सिंह यादव, दीनदयाल शर्मा, ककरौवा वीरेंद्र धाकर, दामोदर धाकर, गजेंद्र यादव, लवकुश यादव आदि किसान संघ के कार्यकर्ता भाई उपस्थित रहे। जब आप आज जो यहाँ पे बैठक आयोजित की गई आपकी, तो ये किस संबंध में बैठक आयोजित की गई थी? भारतीय किसान संघ का 3 वर्ष बाद सदस्यता अभियान प्रारंभ होता है, तो ये सदस्यता अभियान के लिए बैठकें तहसील से हो रही हैं, जिसमें कोरी के बाद अब बैराड़ में बैठक हुई। तो सदस्यता अभियान में आपकी क्या क्या यहाँ पे चर्चा हुई, क्या प्रक्रिया बन रही है आपकी? संगठन के विस्तार के लिए सदस्यता अभियान चलाया जाता है, और जहाँ जहाँ जिस जिस गांव में हम अभी नहीं पहुँच पाए हैं, हमारे किसान संघ के सक्रिय सदस्य नहीं हैं, वहाँ इस बार हम जाएंगे, और लक्ष्य लिया है कि ज्यादा से ज्यादा गाँव में हम।